देखिए क्या करें, एक कमिटी ऑफ सिक्स इज टू बी चूजन फ्रॉम 10 मैन एंड 7 वुमेन सो एज टू कंटेन एट लीस्ट 3 मैन एंड 2 वुमेन. द नंबर ऑफ डिफरेंट वे दिस कैन बी डन इफ टू पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू सर्व ऑन द सेम कमिटी. अच्छा, दो पर्टिकुलर वुमेन है वो सेम कमिटी में नहीं रह सकती है ना जी, ये एक कंडीशन दे दे. अगर मान लीजिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए तब क्या होगा, पहले इसको निकाल लेते हैं. ठीक है, पहले इसको निकालते हैं, पहला केस ले लेते हैं. केस फर्स्ट कह रहा है कि एट लीस्ट 2 मैन और 3 मैन और 2 वुमेन. तो हम लोग मान लेते हैं कि दो गो वुमेन हो तो क्या होगा, लेट द कमिटी कमिटी हैज 2 वुमेन देन टोटल नंबर ऑफ वेज कमिटी कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अगर दो गो वुमेन हो कमिटी में, तो दो गो वुमेन हो तो 7 वुमेन में से दो गो वुमेन को चूज करेंगे और 10 मैन में से कितने मैन को, आपको 4 को चूज करना होगा, तभी ना मिला के टोटल 6 होंगे. चलिए, तो 7c2 के लिए 7 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू में 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल. यहाँ 10 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल और इंटू में 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल. चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू में 5 का फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 24 और इंटू में यहाँ 6 का फैक्टोरियल. ये सेकेंड से इसको काट सकते हैं 3 टाइम्स में, 24 है ना, तो यहाँ पर 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9 आ जाएगा. तो 21 और इंटू में यहाँ पर कितना हो जाएगा 210. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 441 पे एक जीरो लग जाएगा, है ना, यही हो जाएगा. केस टू लेते हैं. अब मान लेते हैं कि 3 वुमेन हो कमिटी में, तब क्या होगा. लेट द कमिटी हैज 3 वुमेन. 3 वुमेन रख सकते हैं क्योंकि कम से कम 3 मैन भी रखना है, तो 3 वुमेन रखेंगे तभी ना 3 मैन रख सकते हैं. अब उससे ज्यादा तो अब कुछ नहीं होगा, 3 वुमेन होगी, 2 या 3 वुमेन, उससे अब अधिक नहीं रह सकते. क्योंकि अगर मान लीजिए 4 वुमेन कर देंगे ना तो नंबर ऑफ मैन 2 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. 3 मैन रखना था, यही दूसरा केस हो सकता है, और कोई तो केस होगा नहीं. जान लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज कमिटी कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा उसके लिए. तो आप कितनी वुमेन है, 7 वुमेन है, उसमें से 3 को सेलेक्ट कर लिए और 10 मैन में से 3 मैन को, तो तभी ना टोटल हो जाएगा. ये आपका 7c3 है, तो 7 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ 10 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और यहाँ 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होता है. 7 इंटू 6 इंटू में 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 और इंटू में 4 का फैक्टोरियल. यहाँ देखिए 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 का फैक्टोरियल और बाई में 3 का फैक्टोरियल, 6 इंटू में 7 का फैक्टोरियल. यही से कैंसिल, 3 टू जै 6 और 3 3 जै 9, 2 से ये 4 टाइम्स में, इससे ये कैंसिल, 6 से 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 और इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा 120, है ना. 35 और इंटू में 120 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4200 आ जाएगा. अब हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है ना कि दो वुमेन जो है, टू पर्टिकुलर वुमेन, वो एक ही कमिटी में नहीं रहना चाहिए. तो अगर मान लीजिए वो एक ही कमिटी में उनको रख के देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा. इफ टू पर्टिकुलर वुमेन आर इन द सेम कमिटी देन टोटल नंबर ऑफ
वेज कमिटी कैन बी फॉर्म्ड, क्या हो जाएगा वो? तो वो हो जाएगा आपका, देख लीजिए क्या करते हैं हम लोग, दो को पर्टिकुलर वुमेन की बात करते हैं, है ना जी। तो दो पर्टिकुलर वुमेन एक कमिटी में हो गई, तो आपको एक ही अब वुमेन सेलेक्ट करना होगा, 5C1 हो जाएगा, बच टोटल 7 वुमेन है ना, तो उसमें से दो को तो छाड़ दीजिए, तो बच गई 5 वुमेन में से आपको एक को सिलेक्ट करना होगा, और फिर 10 मैन वाले में से कितने मैन को सिलेक्ट करना होगा, 3, तभी ना टोटल मिला के 7 होंगे। अच्छा अगर मान लीजिए अगर दो वुमेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें कमिटी में कम से कम दो मैन रखना है, तो मान लीजिए दो मैन सेलेक्ट कर लिए, तो बचे हुए 5 वुमेन में से एक भी आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, और फिर आपके पास 10 मैन है उसमें से कितना को सिलेक्ट करेंगे, 4, क्योंकि ये 2 सेलेक्ट किए थे, अब यहाँ पे ये 4। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5C1 या 5, यहाँ पे देखिए 10 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल, और 10 माइनस में 3 का फैक्टोरियल प्लस ये 1, और यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल बाई में 4 का फैक्टोरियल, और इंटू में 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं 5 इंटू में, यहाँ देखिए 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 और इंटू में 7 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, 3 2 6, 3 3 9, और इसको काट देते हैं इसे 4 टाइम्स में, प्लस में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 का फैक्टोरियल, और बाई में यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल 24 और इंटू में 6 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, 8 3 24, 3 3 9। अब इसे आप यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 600, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 210। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 810 हो जाएगा, तो देयरफोर लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज के लिए क्या करेंगे, तो वो 4410 और प्लस में 4200 और माइनस कर देंगे 810 को, है ना जी। हम लोग एक ही कमिटी में रख के नंबर ऑफ वे निकाल लिए हैं दोनों वुमेन को, अब उस टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7800 आ जाएगा, तो इसका आंसर वहाँ पर 7800 फिल कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप जो आपके पास ब्लैंक प्लेस है उसमें लिख दो 7800। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर